Hi everyone, how are you all? So Valentine week is running and everybody is celebrating. So do I. So I'm going to celebrate Valentine to give gifts or to get gifts. So let's check it out what I'm going to do today. Come with me, come with me, come on, come on. अरे रे 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 रे. रे so sorry. <laughs> आप मुझे यहाँ बैठा देख के बड़े उदास हो गए होंगे. अरे अभी तो बोल रही थी Valentine week मनाने जा रही है और ये क्या? ये तो table chair पे बैठी हुई है. क्योंकि मेरा belief है तुम हो तो हर रात दिवाली हर दिन मेरी होली है यानी जिसको भी आप प्यार करते हो उनके लिए वैलेंटाइन का पूरा साल इंपॉर्टेंट है मदर्स डे हो फादर्स डे हो या वैलेंटाइन वीक हो जिनको भी आप प्यार करते हैं उनको हर दिन प्यार कीजिए हर दिन उनका ख्याल रखिए और ढेर सारे गिफ्ट दीजिए तो आज का ये वीडियो इस बात पर है कि जिनकी बर्थडे के हिसाब से आपको कौन सी गिफ्ट किन को देनी चाहिए जिससे गुड लक उनको ही नहीं आपको भी मिल जाए तो बिना देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये भी एक न्यूमरोलॉजी का वीडियो है और अगर आप टीन रिलेशनशिप पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके आई बटन पर अभी आ रहा है वो वीडियो एक बार चेकआउट करते हुए ज़रूर जाइएगा ताकि आप रिलेशनशिप को एक मेचोरिटी के साथ हैंडल कर पाएँ सो लेट्स बिगिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आखिरी में आपको बताऊंगी कि कौन से गिफ्ट आप उन लोगों को दे सकते हैं जिनका बर्थडे ही आपको मालूम नहीं है दे आर वेरी अन नोन टू यू और कौन से गिफ्ट आपको कभी किसी को नहीं देने चाहिए वो प्रो टिप लास्ट में है ये वीडियो पूरा देखिएगा और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट ओके सो वील स्टार्ट विथ नंबर वन इफ यू आर बॉर्न ऑन वन टेंथ और नाइनटींथ एंड ट्वेंटी एट ऑफ एनी मंथ यू आर गवर्न बाय सन और ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा गेम्स लवर उनको गेम्स अच्छा लगता है खेले ना बट देखना बहुत पसंद है फ़ोटोग्राफी भी उनको बहुत अच्छी लगती है तो दीजिए उनको गेम्स से रिलेटेड या तो टिकट्स या सामान साथ में उन्हें फ़ोटोग्राफी के सामान जैसे कैमरास वगैरह भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर इतना खर्चा नहीं करना चाहते तो छोटी चीज़ दे सकते हैं जैसे कॉपर से रिलेटेड कोई भी डेकोरेशन पीसेस दे सकते हैं कॉपर के ग्लासेस दे सकते हैं जग्स दे सकते हैं और इस तरह के कोई भी आर्टिफैक्ट्स भी दे सकते हैं जो उनको बहुत हेल्प करेगी अगर आप उन्हें क्लोथ्स दे रहे हैं तो ब्लैक कलर के क्लोथ्स बिल्कुल मत दें बाकी सभी कलर के क्लोथ्स उनके लिए गुड लक हैं लेट्स मूव टू द नंबर टू द नंबर टू मीन्स इफ यू आर बोर्न ऑन टू इलेवेंथ ट्वेंटी और ट्वेंटी ऑफ एनी मंथ यू आर गवर्न बाई मून तो ऐसे लोग जो बड़े रोमांटिक होते हैं बहुत प्यारे होते हैं रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोगों को आप म्यूज़िक की चीज़ें ज़रूर दीजिए म्यूज़िक के एल्बम्स गिफ्ट कर सकते हैं कोई गाना उनको वाइटी म्यूज़िक भी आप गिफ्ट कर सकते हैं आप उन्हें सिल्वर के ग्लासेस दे सकते हैं या सिल्वर की कोई भी चीज़ दे सकते हैं जिससे भी उनका इमोशन कंट्रोल हो जाता है और आपको भी फ़ायदा होगा पर्ल भी उनके लिए गुड है अगर आप उन्हें पर्ल नेकलेसेस पर्ल ईयरलिंग या अगर आपके जो है अगर आप किसी मेल को देना चाहते हैं तो उनको आप कॉपर की दे दें और कभी भी कपड़े अगर आप दे रहे हैं उनको तो उनको सिर्फ और सिर्फ लाइट कलर के क्लोथ्स दें जैसे पेस्टल हो गए ऐसे कलर के लाइट पिंक हो गए ऐसे व्हाइट हो गए ऐसे कलर के कपड़े दें वो बहुत उन्हें सूट करेंगे मूव टू नंबर थ्री नाउ कम टू नंबर थ्री थ्री मीन्स यू आर बॉर्न ऑन थ्री ट्वेल्थ और थर्टिएथ ऑफ एनी मंथ यू योर यू आर गवान विथ जुपीटर एंड ये जो लोग होते हैं बहुत ही विस्टम वाले और क्रिएटिव लोग होते हैं और अगर आप इन्हें मिठाई खिला दें लड्डू खिला दें पेड़े खिला दें गुलाब जामुन खिला दें केसर की मिठाई खिला दें तो गुड लक बहुत जल्दी इनको मिलता है और आपको भी मिलता है साथ ही साथ इनको अगर आप कॉस्टली गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप सोने से बनी कोई भी चीज़ उनको दिला सकते हैं अगर सोना नहीं दिला सकते तो वह जैसे गोल्डन वाटर में बनी हुई चीज़ें होती हैं ना सिल्क सोने के पानी चढ़े हुए सामान वो भी आप दे सकते हैं कोई आर्टिफैक्ट भी दे सकते हैं कुछ डेकोरेशन का सामान भी दे सकते हैं जो गोल्डन कलर का हो जैसे आप दो हंसों का जोड़ा हो जो गोल्डन कलर से प्लेटेड हो वैसा भी दे सकते हैं और अगर आप कपड़े दे रहे हैं इनको तो डेफिनेटली ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए और जो है वैसे कपड़े दें जो अदर कलर्स के हों चलिए अब बढ़ते हैं नंबर फोर की तरफ नंबर फोर वैसे लोग हैं जो किसी भी मंथ की फोर्थ को थर्टीन को ट्वेंटी सेकेंड को या थर्टी फर्स्ट को बॉर्न है और दे आर गवर्न बाय यूरनस यानी राहु एंड दे आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजर दे आर वेरी गुड यू कैन से प्लानर्स तो इनको ऐसी भी ऐसी कोई भी चीज़ जो प्लानिंग में हेल्प करती हो वो अगर आप गिफ्ट दें या ऑर्गेनाइज करने में कोई चीज़ जो गिफ्ट करें तो उनको बहुत पसंद आता है फॉर एग्जाम्पल और इनका जो बेसिक मेटल है या बेसिक सामान है वो वुड रिलेटेड होता है तो आप वुड से बनी हुई कोई भी खूबसूरत चीज़ इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं लाइक आप उन्हें टेबल पर रख वाले कोस्टर्स दे सकते हैं वुड के बने हुए या आप टेबल पर जो वो डिज़ाइनर वुड आर्ट क्राफ्ट्स होते हैं वो भी दे सकते हैं उन्हें साथ ही आप उन्हें ब्राउन कलर के कपड़े दे सकते हैं कपड़े भी आप उनको ब्राउन शेड्स के बहुत सारे येलो ये सारे शेड्स के उनको कपड़े दे सकते हैं और इनको भी ब्लैक और रेड कलर अवॉइड करना चाहिए ये दो कलर इनकी गुड लक को थोड़ा कम करता है तो देते और लेते वक्त ये बात का ख्याल रखें आगे बढ़ते हैं नंबर फाइव की तरफ नंबर फाइव मीन्स यू आर बोर्न ऑन नंबर फाइव सिक्सटीनथ और ट्वेंटी थर्ड ऑफ एनी मंथ और नंबर फाइव वाले लोगों को अगर आप देखें तो ये मर्करी से गवर्न होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है तो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन इनमें देखा गया है ये स्पीडी होते हैं कम्युनिकेटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो ये तीन चीज़ों के से रिलेटेड आप कोई भी इनको गिफ्ट दें एक्टिव हैं तो आप जिम प्रोडक्ट्स दे सकते हैं कम्युनिकेशन इनकी अच्छी तो आप इनको मोबाइल वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं जो इनकी कम्युनिकेशन को इनहस करता है आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्पीडी होते हैं तो आप इनको वॉचेस गिफ्ट कर सकते हैं अच्छी अच्छी घड़ियां दे सकते हैं जो इनके समय को बचाने में इनको हेल्प करें इनको बैम्बू ट्री भी गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उसकी ये भी ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर नंबर फ़ाइव इनको आप किसी भी कलर के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं बट आई वुड प्रिफ़र द लाइट कलर क्लोथ्स वो बहुत ही अच्छे होते हैं आगे बढ़ें नंबर सिक्स की तरफ नंबर सिक्स उनका है जो किसी भी मंथ को सिक्स को बॉर्न है फिफ्टींथ को बॉर्न है या फिर ट्वेंटी फोर्थ को बॉर्न है एंड दे आर गवर्न बाय वीनस ऐसे लोग शुक्र से चुकी प्रभावित होते हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पसंद करते हैं तो आप इनको कोई भी होम डेकोर आइटम, टेबल डेकोरेशन की चीज़ें दे सकते हैं और साथ ही साथ आप इनको पार्टी एलिमेंट भी बुला सकते हैं बहुत ब्रांडिंग के पीछे जाते हैं इनको ब्रांडेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती है तो आप इनको कोई भी ब्रांडेड क्लोथ्स ब्रांडेड परफ्यूम्स प्रोवाइड कर परफ्यूम तो ये बहुत पसंद करेंगे आप उनको जरूर दीजिए चॉकलेट्स पसंद करेंगे बुकेस पसंद करेंगे या फिर आप जो भी पार्टी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वाइन बॉटल्स पसंद करेंगे आप इनको अगर ये गिफ्ट करें वो बहुत खुश हो जाएंगे और साथ साथ आपका भी गुड लक आपके पास आ जाएगा चलिए मूव करते हैं नंबर सेवन की तरफ नाओ वी आर रीचिंग टू नंबर सेवन नंबर सेवन वाले लोग वो हैं जो किसी भी मंथ की सेवन्थ को सिक्सटीनथ को या ट्वेंटी फिफ्थ को बॉर्न है एंड दे आर गवर्न बाई केतु और आप कह सकते हैं वो नेपच्यून से रिलेटेड हैं तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ही मिस्टिकल होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं क्यूरियस होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंक भी करते हैं बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं एंशियस होते हैं तो इनको हेल्प करती है कोई भी चीज़ जो इनको रिलैक्स करती हो जैसे स्पाज ब्यूटी पार्लर्स अगर आप इनके लिए वो अरेंज कर रहे तो वे बहुत खुश होंगे साथ ही आप इनको क्लोथ्स दे सकते हैं बट वही फिर रेड कलर को अवॉइड कीजिएगा ब्लैक और रेड को अवॉइड कीजिए बट ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बो में आप दे सकते हैं साथ ही साथ आप इनको कुछ ऐसी चीज़ दें जैसी बुक्स भी दे सकते हैं जो बुक इनको इनके क्यूरियोसिटी को कम करती हो या कुछ समथिंग न्यू इनकी लाइफ में ऐड करती हो तो इनको बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ने में और स्परिचुअल बहुत होते हैं तो आप स्परिचुअल यानी गॉड से रिलेटेड भी कोई भी चीज़ अगर आप इनको गिफ्ट करें भगवान की मूर्ति नहीं बात हो रही है यहाँ पर यू कैन गिफ्ट समथिंग रिलेटेड टू दैट मैं आपको लास्ट में टिप दूंगी ऐसा क्यों करना है ओके नाउ मूव टू द नंबर एट इफ वी विल टॉक अबाउट नंबर एट लोग इसको नेगेटिव लेते हैं लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये बहुत ही प्यारा नंबर है नंबर एट में वो आते हैं जिनका बर्थडे ऐट को सेवेंटीन को या ट्वेंटी सिक्स ऑफ एनी मंथ आता है और दे आर गवर्न बाय सेटन यानी कि शनि शनि के गॉड हैं तो ऐसे लोग बड़े पावर लवर होते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन हेड बनना चाहते हैं और स्पी डी भी होते हैं ऐसे लोगों को थोड़ा स्वीट चॉकलेट्स अच्छे लगते हैं उनको गिफ्ट कीजिए वो वो मनी मैनेजमेंट पे बहुत बिलीव करते हैं तो मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी गैजेट हो या शेयर मार्केट का कोई शेयर हो या आप इनको कोई बुक ऐसी दे सकते हैं जो उनके बिजनेस आइडियाज़ को डेवलप करने में हेल्प करे ऑटोबायोग्राफीज़ भी इनको अच्छी लगती है इनको एंटीक चीज़ें बहुत पसंद आती हैं तो आप एंटीक वॉचेस एंटीक डिज़ाइंस के बने हुए जो होम डेकोर आइटम्स हैं वो भी इनको गिफ्ट कर सकते हैं इनको कपड़े दें बट ब्लैक कलर ज़रूरी नहीं है देना क्योंकि ऑलरेडी दे आर गवन बाय शनि तो आप कोई और कलर भी दे सकते हैं बट अगर आप ब्लैक भी दे देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है और साथ ही साथ एक चीज़ और अगर आप एक नंबर वाले लोगों को वॉलेट गिफ्ट करेंगे तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसमें मनी रखी जाती है चलिए मूव इट टू नंबर नाइन नंबर नाइन आर दोज पीपल दोज वर गवन बाई नाइन ए गवर्न बाय मार्स एंड दे आर बोर्न ऑन नाइन एटीन और ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ एनी मंथ तो ये मंगल ग्रह के हैं इसलिए थोड़े से अग्रेसिव होते हैं फास्ट होते हैं बट बहुत सोशल होते हैं बहुत प्यारे लोग होते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इनको एग्जॉटिक चीज़ें बहुत अच्छी आती है आप इनको मेडिकल गिफ्ट किट जो होता है देख रेख करने के लिए वो आप गिफ्ट फर्स्ट एड बॉक्सेज होते हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं वो उन्हें अच्छा लगता है ट्रैवल किट उन्हें अच्छी लगती है उन्हें आप जो है वो स्पोर्ट्स का किट क्योंकि चूँकि उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा तो उन्हें भी आप स्पोर्ट्स के किट या जिम के आइटम गिफ्ट कर सकते हैं रेड कलर के क्लोथ्स रेड कलर की स्वीट्स रेड कलर के फ्लावर्स भी आप उनको गिफ्ट करेंगे तो वो बहुत खुश होते हैं तो ये बहुत ही एग्जॉटिक लोग हैं तो इनके इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें ये गिफ्ट करना चाहिए अब लास्ट में बात करेंगे हमें क्या गिफ्ट ऐसा गिफ्ट सोचना चाहिए जो सबके लिए कॉमन है यानी हमें अगर किसी का बर्थडे ही नहीं मालूम है तो तब भी हम उन्हें गिफ्ट करते हैं ना तो वैसे सिचुएशन में आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी को अगर आप उनका बर्थडे नहीं जानते तो आप उन्हें सिंपली कोई चॉकलेट स्वीट बॉक्सेस फ्लावर्स ऐसी चीज़ें गिफ्ट करें जिसमें कोई भी नंबर को नुकसान नहीं है चाहे वो किसी भी बर्थडे के हों ये चीज़ें गिफ्ट करने से हमेशा आपको भी फ़ायदा होता है क्योंकि मीठा खाते ही हमारे जो हैप्पी हॉमोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं तो डेफिनेटली जब हम मीठा खाते हैं या कोई मिठाई हमें अच्छी लगती या स्वीट्स अच्छे लगते हैं चॉकलेट्स या कैंडीज अच्छे लगते हैं तो हम डेफिनेटली एक बार मन में महसूस यार कितनी टेस्टी चॉकलेट थी जिसने दी उसका बहुत ही भला हो राइट तो आपका भला ही होगा और क्या आपको गिफ्ट नहीं करना है ये एक प्रोटिप ध्यान में रखिए किसी को भी कभी हैंकी सीज़र naive मेनिक्योर किट्स ऐसी चीज़ें जो नुकीली होती हैं शार्प होती हैं वो गिफ्ट मत कीजिए क्योंकि ऐसी चीज़ों से हम नेगेटिविटी को इम्प्रूव करते हैं और अपना गुड लक भी लूज़ कर जाते हैं तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा चूँकि वैलेंटाइन वीक भी है और इस तरह से मैं जानती हूँ आप मानेंगे नहीं मनाए बगैर तो जल्दी जाइए और ये सारे गिफ्ट खरीद कर अपने लव वंस को गिफ्ट कीजिए और बहुत सारा गुड लक उनको भी दीजिए और अपने लिए भी लेकर आइए और मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो भूलिएगा मत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना साथ ही प्रेस कर दीजिए मुझे का बेल आइकन ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिले अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आप मेरे को मेरे को कोई और वीडियो बनाने के लिए बोलना चाहते हैं या पर्सनली कोई हेल्प चाहते हैं न्यूमरोलॉजिकल आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और अपना ध्यान रखिए और इसी तरह अपना प्यार मुझे भी देते रहिए ठीक है थीके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में टिल देन टेक केयर